पूजा फ्रॉम वेस्टर्न ओवरसीज। मेरे साथ सोनम है, उनके फादर है, जिनका आज कैनेडा का स्टूडेंट वीजा आया है। सो आइए डिस्कस करते हैं सोनम की प्रोफाइल वेस्टर्न ओवरसीज की जर्नी कैसी थी और इंडियन पूरी जर्नी इनकी जुबानी सुनते हैं। तो सबसे पहले बधाई देते हैं सोनम को। सोनम आपके वीजा के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम, सर कांग्रेचुलेशंस। बताइए थोड़ा बहुत सोनम, कैसे आपकी जर्नी थी वेस्टर्न ओवरसीज। मेरा नाम सोनम है, मैं बिल्कुल लुक्की कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली मैंने 2018 में अपनी प्लस टू के बाद तो मैं सर्च कर रही थी कौन सा इंस्टीट्यूट मेरे लिए बेटर रहेगा फॉर आईएएस। जो मैंने आईएएस मैंने एक्चुअली एक दिन मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसमें इनका पैम्फलेट दिया हुआ था तो मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैंने इसमें अप्लाई किया और विद इन 3 मंथ्स मैंने अपनी आईएएस कम्प्लीट की और आई गॉट ओवरऑल 6 बैंड नॉट लेस देन 6। एंड आफ्टर दैट मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया यहीं से ही और उसके बाद मुझे आज अपना कनाडा का वीजा मिल चुका है और अब मैं फैंशिको कॉलेज जा रही हूँ बिजनेस कोर्स डिप्लोमा के लिए और मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ इस इंस्टीट्यूट से बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे बहुत आसानी से मेरा वीजा मिल गया। थैंक यू। प्लस टू कब किया है वीजा पे? 2018। ओके, कौन सा स्ट्रीम था आपका? नॉन मेडिकल कॉमर्स स्ट्रीम। कोर्स प्लस टू कॉमर्स से 2018 में आपने की है? हाँ जी। परसेंटेज कितनी थी आपकी? 81%। उसके बाद आपने आईएएस करी वेस्टर्न ओवरसीज से? हाँ जी। तो आईएएस के बारे में, वेस्टर्न ओवरसीज से आईएएस करी उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या क्या टिप्स प्रोवाइड करें हैं सारा कुछ थोड़ा बहुत बताओ। यहाँ के जो स्टाफ मतलब जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और सपोर्टिव है। फर्स्टली वो कभी ऐसा फील नहीं होने देते कि आप कर नहीं सकते वो। और सेकंड है यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल होती हैं जो आपको फुली सपोर्ट करती हैं और आप इजिली हर मॉड्यूल में इजिली बैंड स्कोर पा सकते हो। मतलब स्पीकिंग जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि मैंने रीडिंग राइटिंग में थोड़ा सा लाइक हार्ड टाइट होता है, थोड़ा सा सीखनेस होती है, तो रीडिंग और राइटिंग में लाइक कोई टिप्स वगैरह दे देते टाइमली, कोई वीकली, कोई आपका लाइक कोई एक्स्ट्रा क्लासेस मास्टर क्लासेस कोई यहाँ पर होती थी? हाँ जी, यहाँ पर वीक में 2 टाइम वर्चुअल क्लासेस होती थी जिसमें सभी ब्रांचेस के टीचर्स आपको सजेस्ट करते थे और टिप्स देते थे रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है जैसे रीडिंग में, राइटिंग में या स्पीकिंग में, और आप इजिली मतलब इजिली उसमें अपना बैंड स्कोर अच्छा कर सकते थे विद इन 3 मंथ। तो आईएएस आपने यहाँ से करी उसके बाद वीजा के लिए आपने कंसल्ट किया, तो वीजा के लिए आप फैंशिको कॉलेज में जा रहे हैं? हाँ जी। ओके, कौन सा कोर्स है आपका? बिजनेस को 2 साल का डिप्लोमा जी बैंक का। ठीक है, तो कौन सा इंटेक? जनवरी इंटेक है आपका? हाँ जी। जनवरी इंटेक के लिए कुछ ऑनलाइन क्लासेस आपने स्टार्ट की हुई है? हाँ जी, मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका ऑनलाइन क्लासेस का? बहुत अच्छा है, मतलब जो वहाँ के फैकल्टीज है और प्रोफेसर है मेरे वो बहुत सपोर्टिव है और मुझे अच्छे से मतलब मुझे अच्छे से समझ आ रही है वो स्टडी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब वेस्टर्न ओवरसीज से फुली सेटिस्फाइड है? हाँ जी। और मैं रेकमेंड करना चाहूंगी कि अगर कोई भी बच्चा अपनी फाइल किसी भी कंट्री में लगाना चाहता है या फिर आईएएस और पीटी करना चाहता है तो वो यहाँ पर एक बार जरूर आके। थैंक यू सो मच। तो अभी स्टूडेंट के फादर का आए साथ है, आइए जानते हैं उनका कैसा सफर था वेस्टर्न ओवरसीज का। यस वेस्टर्न ओवरसीज बहुत अच्छा सेंटर है, आप अगर आपने अपने बच्चे को आईएएस या पीटी कराना हो तो वीजा यहाँ से अप्लाई होगा। पूरे सफर में कोई आपको दिक्कत आई हो सर किसी तरह का कुछ भी कोई प्रॉब्लम आई? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला कोई। सो गाइस हमारे साथ सोनम थे यार जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करी। शी इज गोइंग इन कनाडा फॉर लाइक फैंशिको कॉलेज जिसमें 2 साल का डिप्लोमा करने जा रहे हैं। प्लस टू पास आउट है, जनवरी इंटेक है, ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो किसी भी कंट्री के लिए आपको अगर जाना चाहते हैं एक बार वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट क्लास में आगे जरूर मिलिए। थैंक यू सो मच।